बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और चारा घोटाला के दोषी लालू यादव की हालत बेहद खराब है। रजत सुप्रीमो की स्वास्थ्य संबंधी समस्या बढ़ती जा रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वो इस समय रिम्स में अपना इलाज करवा रहे हैं। उनका शारीरिक हाल कैसा है, इस बात की जानकारी रिम्स के डॉक्टर आर के श्रीवास्तव ने दी। इस दौरान उन्होंने लालू यादव की मेडिकल बुलेटिन जारी की और कहा, लालू यादव का विटामिन डी थोड़ा कम है, पैर में बलतोड़ हुआ है जिसकी वजह से सूजन हो गई है, चलने फिरने में तकलीफ हो रही है। शुक्रवार को पूरे दिन खड़े नहीं हो पाए थे लालू। डॉक्टर के निर्देशानुसार अभी लालू यादव को डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता है। जांच में अभी भी उनका बीपी और शुगर लेवल बढ़ा हुआ है। ईसीजी रिपोर्ट में भी कुछ परेशानी सामने आई है। दो दिन पहले ही उन्हें रिम्स के कार्डियोलॉजी वार्ड से पेइंग वार्ड में शिफ्ट किया गया है। यही नहीं, बीमारियों के चलते लालू डिप्रेशन का भी शिकार है। क्या कहती है लालू की रिपोर्ट, हम आपको बताते हैं। उन्हें हीमोग्लोबिन 10.6, बीपी 150/80, पल्स 80 प्रति मिनट, चेस्ट क्लियर न्यूट्रोफिल्स 76, ब्लड शुगर फास्टिंग में 135 है, ब्लड शुगर पीपी में है 196, विटामिन डी 16.3, टोटल काउंट 12,500 है। आपको बता दें कि लालू की बिगड़ी हालत को देखकर उनसे मिलने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद अखिलेश यादव भी रिम्स पहुंचे। लालू की हालत को देख उन्होंने कहा, लालू यादव की सेहत खराब है, लालू कई बीमारियों से घिरे हुए हैं और ये किसी से छिपी बात नहीं है। उनकी ऐसी हालत देख उनके साथ काम कर चुके लोगों को बहुत दुख होता है। क्यूरियन अल्टेक्स की रिपोर्ट।